हमारे घर में हो चुकी हैं गणपति की तैयारियां शुरू। लास्ट ईयर मैं फर्स्ट टाइम गणपति लाई थी, जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से था। दिस ईयर आई एम डूइंग इट अ लिटिल बिगर, तो बिगर के चक्कर में और तैयारियां भी करनी है भाई। इन्फ्लुएंसर होने का फायदा उठाओ। देयर आर सम फेक प्रोफाइल्स दैट आर क्रिएटेड इन माय विद माय फेस विद माय पिक्चर्स विद माय वीडियोस, वो आजकल रोटेट हो रही है पूरे इंटरनेट पे। शी इज एक्चुअली रॉबिंग पीपल और कॉनिंग पीपल लाइक दैट। मेहनत नहीं करनी, धोखे करने हैं, बदतमीज। Hi everybody, welcome to Mr. and Mrs. GG. आप लोग सोच रहे होंगे मेरा बड़े दिन से व्लॉग नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने स्केचेस पे काम कर रहे थे जो हमने रिलीज भी किया है What to Order। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, प्लीज सपोर्ट करो, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए यार। दो दिन से मैं बड़ी बिजी थी, इवेंट तो नहीं था पर लॉरियल के ऑफिस में एक कोई फाउंडेशन लॉन्च करनी है, बहुत सारी फाउंडेशन को रिव्यू करना था, उस पर उन्होंने काले काले रैपर लगाए हुए थे, तो मजा आ रहा था। मतलब अच्छी है इन्फ्लुएंसर लाइफ भी, सच्ची बताऊं मैं तुम्हें, अलग अलग काम करने के लिए मिलते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कल व्लॉग बनाऊंगी, पर वहाँ पे अंदर जाके वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी कि आधा अधूरा क्या ही दिखाऊं तुमको। रात को हम लोग गए थे फैमिली डिनर पे और नायका भी गई थी। हमारे घर में हो चुकी हैं गणपति की तैयारियां शुरू ऑलरेडी। जिन लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि लास्ट ईयर मैं फर्स्ट टाइम गणपति लाई थी, जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से था। बॉम्बे आते ही तुम्हें पता चल जाता है कितना प्यारा फेस्टिवल है, इसमें इतना मजा आता है कि हम जाके अननोन लोगों के गणपतियों में नाचते थे। तो हम बीच पे ही रहते थे, तो वहां से सारे के सारे वो निकलते थे जब पंडाल, तो हम उस टाइम गई में बारिश हो रही होती थी, हम बारिश में भीगते हुए ये सब करते थे। बट लास्ट ईयर मैंने डिस्कस किया मॉम से, मैंने बोला कि मुझे गणपति रखने, उन्होंने कहा हाँ तो रखने चाहिए, अनायका को भी सब पता चलेंगे फेस्टिवल्स। बट इट वॉज स्टिल ऑन अ स्मॉलर स्केल, इट वॉज मोर लाइक अ पूजा। दिस ईयर आई एम डूइंग इट अ लिटिल बिगर, तो बिगर के चक्कर में और तैयारियां भी करनी है भाई। लास्ट ईयर भी अनायका बहुत एक्साइटेड थी, वो पूरी रात उसने एक दिन पहले गाया था गणपति बाप्पा मोरिया। अब गणपति की तैयारियों में आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। पहले मूर्ति ऑर्डर होती है, वो मैंने कर दी है, और अगर आपको डिजाइन देखना है पहले ही कर दूं रिवील। तो ये मूर्ति हमने ऑर्डर करी है, अब इसके ऊपर हीरे जवाहरात भी लगेंगे थोड़े, इको फ्रेंडली पेपर गणेश आएंगे क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। सेकंड फूड, तो हम लोग दो तीन दिन से बैठ के मैं और मॉम लिस्ट बनाई जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। वो ऑफ कोर्स इंडियन होएगा फूड, अब हम सुशी तो रख नहीं देंगे गणपति में, उसमें मिठाइयां भी चाहिए क्योंकि हम डेढ़ दिन के रख रहे हैं गणपति इस साल भी, 3 हो ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ वर्क, अनायका, सो मेनी थिंग्स, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी 3 दिन। मगर उस डेढ़ दिन में भी सुबह से ही लोग आने लग जाते हैं, सबसे पहले स्थापना, उसके बाद लंच होता है, लंच पे काफी लोग होंगे, इवनिंग में सबसे ज्यादा लोग होते हैं आई थिंक, और इवनिंग की आरती होती है जब, तो उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा स्नैक्स एंड चाट एंड ऑल ऑफ दैट चाहिए, और फिर रात को डिनर चाहिए क्योंकि कई लोग लेट आते हैं और फिर वो लेट तक बैठते हैं, और अगले दिन भी ब्रेकफास्ट और लंच तक लोग आते रहते हैं, तो वो भी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं आई थिंक अराउंड इवनिंग में हम उनका विसर्जन कर देते हैं। कपड़े, हमेशा जिंदगी का जो एक स्ट्रेस है ना हमारी लाइफ में, क्योंकि फोटो खींचनी है, वीडियो बननी है, सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं इतना बॉदर नहीं कर सकती गौतम के कपड़ों के लिए एंड ऑल दैट, बट मेरे और अनायका के कपड़े ही बहुत हो जाते हैं क्योंकि 4-4 जोड़ी कपड़े चाहिए। पहले चाहिए एक जब गणपति को लाएंगे, चलो वो थोड़ा सिंपल पहन लिया पर लाएंगे धूमधाम से, चलो फिर सुबह स्थापना होगी, उसमें अच्छे सबसे अच्छे बनना है क्योंकि पूजा है मेन। फिर उसके बाद अब पूरे दिन तो वो कपड़े पहन नहीं सकते क्योंकि सुबह हैवी पहन लेंगे लहंगे शहंगे, अब वो पूरे दिन गेस्ट आएंगे, भागना है ऊपर नीचे, ये वो कितना कुछ काम करना होता है। और काम सिर्फ ये नहीं है कि भाई खाना दे दो, ये वो कोई आया भाई मेरी फोन की बैटरी लो है मुझे चार्जर ला के देना, चप्पल शू बाइट हो गई है मुझे अपनी चप्पल निकाल के देना, गर्मी लग रही है रबर बैंड ला दो। तो कोई कोई फ्रेंड्स की मुझे ये दिखाइयो, ये चलियो, ये ऊपर चलियो, ये है वो है, उसके चक्कर में मेरे हजार चक्कर लग जाते हैं ऊपर नीचे जाने में। तो मुझे थोड़ा सा पूरे दिन में कंफर्टेबल चाहिए, मेरा कंफर्टेबल इतना कंफर्टेबल होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 3 जोड़ी हो गई है, उसके बाद 4th इज नेक्स्ट डे विसर्जन, 4 तो मिनिमम है, 5 भी लग सकते हैं। अब 5 इंडियन न्यू क्लोथ्स, पैसा खर्च मैंने एक नहीं करना, तो मैंने इसलिए मैंने सबके साथ वो ही करनी है अपनी डील, काफी लोगों से तो पैसे ले भी लेती हूँ। अब कोई कोई एक दो आउटफिट सुनायका के साथ ट्विनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि प्यारी फोटो चाहिए, गौतम को नहीं करनी ना करे ट्विनिंग, इट्स फाइन, और वो लगेगा भी बहुत कार्टून, हमारे काफी गर्ली होंगे। उसके बाद डेकोर,
वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर भी काफी दिन से डिस्कशंस चल रही हैं। अब जो बजट पे फाइनल हुआ था डेकोर, उससे डबल बजट आ गया है। मैंने कहा ओहो, करो कोलैब करो, फिर कुछ तो करो, ये क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर होने का फायदा उठाओ। डिस्कशन हो रही है डिजाइंस की, क्या क्या बनेंगे, कौन से कलर के फूल लगेंगे, कौन सा बैकग्राउंड। वैसे मुझे व्हाइट डेकोर बहुत अच्छा लगता है, पर व्हाइट पे व्हाइट बिल्कुल नहीं दिखेगा और फोटो में तो जरा ही नजर आना। और क्या होता है गणपति में, प्रसाद देने वाले सबको, वो अलग चीज है। पंडित जी बुक हो गए हैं, शाम के लिए नहीं करे, अभी सुबह के हुए हैं, देखती हूँ शाम को उनके पास टाइम है कि खुद करनी होगी आरती। ये तो मैंने ऊपर ऊपर की और मेन बातें बताई हैं, छोटी छोटी जो है ना वो बड़ी सारी चीजें हैं जो मुझे सारी करनी है और मेरे को टाइम जरा नहीं मिल रहा था, पर आज मिला है तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूं। ज्वेलरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया खरीद भी रही हूं। काम चल रहा है, एडिटिंग चल रही है, फेस्टिव सीजन के कैंपेन्स भर गए हैं, इवेंट्स हैं इतने सारे, सब में जाओ, रीलें बनाओ, वीडियोग्राफर बुक करो, वीडियोग्राफर भी बिजी हैं, नए ढूंढो, उनके चार्जेस बहुत हैं, किसी का काम नहीं पसंद, मैं बड़ी आफत में हूँ। और नायका की क्लासेस, स्कूल, उसको भी जिससे जाके भेजो, जन्माष्टमी है कल, उसके लिए सज धज के गई है, उसके सूट कितने चाहिए होते हैं, कमरे संभालने हैं, अलमारियां संभालनी है, फटे पड़ी हैं बिल्कुल ही ना, बॉम्ब फट गया अंदर, वो सब करना है। यार देखो जिंदगी भर के लेकर चले भाई, यहाँ पे कभी क्लियर हो ही नहीं पाता मेरा। एनीवे ये तो मेरी तो रेंटिंग खत्म ही नहीं होने वाली जिंदगी भर, ऑल ऑफ दैट। और साथ में करनी है हेल्थ की भी केयर अपनी, क्योंकि बिल्कुल ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आज का प्लान ये है कि यही सब फोन पे अभी लगूंगी, तो उसके लिए फोन चाहिए, आपको नहीं दिखा पाऊंगी, जो जो फाइनल होएगा वो सब मैं इधर इधर दिखा दूंगी ऐसे कोने पे कर करके, यहाँ पे फोटो देख लो तुम। नायका को शाम को फुटबॉल क्लास है, आज वो लेके जाना है, बस यही ऐसे ही दिन निकल जाते हैं मेरे तो भाई। स्केचेस देख लो जाके, और भी बनाए हैं ठीक है, बहुत प्यारे हैं, बाकी पे भी व्यूज डाल दो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, बहुत मजे आएंगे। अभी कीप वॉचिंग। अनु कहाँ है? You did what song? Mother song. Mother song? On Janmashtami? वो क्या होता है भाई? क्या किया और क्या किया? स्कूल में सबको बोला Happy Janmashtami. Happy नहीं बोलते. क्या बोलते हैं फिर? Janmashtami बोलते. Happy Janmashtami. Surprise बोलते. Surprise बोल देते हैं. Surprise Janmashtami. Surprise. कृष्ण भगवान बॉर्न हो गए. Surprise. ऐसा? क्या हो रहा है? मुझे भी दे दो किसेस। जीजी देख रहे हैं आज की नायका मम्मा से लव करती है कि नहीं करती है? जीजी देख रहा है कितना करते हो, ऐसे जैसे 100 किसेस दी थी ना कल, दिखा दो देख के सबको। मुझे है पता नहीं, इससे बातें करके बताती हूँ ये कैसा लव है, ये कैसा लव है, ये कैसा लव है, मेरे अंदर का एनिमल जाग रहा है, अब मुझे लव नहीं मिलेगा तो मैं कर रही हूं। अच्छा करो, अच्छे से करो, ये कैसा लव हो रहा है, किसेस दो, हग्स दो। नहीं मुझे लव करना ऐसे। करो लव, कर दो ऐसे वाला। मम्मा उठो। ऐसा लव मिलता है आपको? हमारे घर में थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे ऐसे लव होते हैं, कुत्ते पुचकारते हैं ना जैसे हम। After breakfast, she set to work in her workshop at the bottom of the garden. She welded and screwed and calculated and hammered. What is she making? Butter. Butter? I went in the new office. How come Papa is back so soon today? What? The office was closed. The closure. It was closure? Okay. चलो जी, गौतम घर पे आ गया है, करेगा बेबी सिट बैठ के। मैंने जाना है ऑफिस, पर उससे पहले दो काम हो गए ऑलरेडी। एक तो है डेकोर का, डेकोर फाइनल तो नहीं हुआ, इतनी कालापन क्यों छा गया, रुको। हाँ तो एक तो हो गया भाई हमारा डेकोर का फोटो फाइनल, डेकोर फाइनल नहीं हुआ अभी, वो और भी डिस्कस करना है, पर डेकोर इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है यहाँ पे कुछ। दूसरा जो एक मेरा मेन आउटफिट है जो मुझे स्थापना के टाइम पे पहनना है, एक डिजाइनर है गोपी वैद, उनके कपड़े आ रहे हैं, तो वो मैं अभी ट्राई करके फिर मैं ऑफिस के लिए सीधा निकलती हूँ। भागती हूँ मैं इधर से उधर पता है पूरे दिन, तो अब ये सारे काम हो जाएंगे। ट्रायल के लिए कपड़े दिखा दूंगी, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं तुम्हें, लुक रिवील कर दूं, कर देती हूं, देखती हूं खुद पहन के पहले। आ गया लहंगा, अब पहन के दिखाती हूं। ओहो बड़ा प्यारा लहंगा है भाई, बट एक ही प्रॉब्लम है, दिख पा रहे हैं? इट्स बैकलेस। ये हो गया, पू बन गई, पार्वती बनना चाहिए था आज मुझे। इट कैन बी सॉर्टेड बिकॉज दे हैव सेंट टू अदर ब्लाउजेस। ये तो अब मैं दूसरे ब्लाउजेस का ट्राई करती हूँ, है तो ये बड़ा अच्छा।
स्टनिंग टाइप का और स्लीव्स कवर्ड है, जब बैक नंगी हो। पीछे वैसे भी चुन्नी डाल सकती हूँ। क्या कहते हैं गाइस, ज्यादा नंगा पहन है ये? चुन्नी भी तो ट्रांसपेरेंट है भाई। ये मैंने कर लिया जुगाड़, दिख रहा है? ऐसे रखूंगी ना दुपट्टा, तो फिर ठीक है और बाल भी खोल सकती हूँ। अच्छा है क्योंकि पूरा भी आ गया ब्लाउज। सॉरी फॉर माई लिटिल पागलपन, बट लेट्स ट्राई दी अदर वन, दी अदर ब्लाउज। आई लहंगा मेरे लिए फाइनल है, बिल्कुल प्यारे कलर्स है, पूजा वाले। तो ऐसे कुछ बात नहीं, पूजा में कोई भी कलर पहन सकते हैं। एक्चुअली 3 कलर्स थे जो मैं आपको दिखा देती हूँ। टन 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 3 कलर्स दिख रहे हैं आपको। ये वाले कलर्स में से मैंने ये वाला कलर चूज किया क्योंकि मेरी चॉइस बड़ी प्यारी है, कुछ भी कहो। बात तो सही है, पिंक भी बहुत अच्छा था, सेकंड चॉइस थी मेरी वो। पर अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, नंबर 2 अल्ट्रा स्टनिंग। देख पा रहे हैं? पर ये देख लो पीछे क्या हुआ इसके, गश खा के गिर जाएंगे सारे लोग और पंडित जी कहेंगे कि मैम आप पूजा रहने दीजिए, आप कोई रैंप पे चली जाइए। सर कोई शादी होती तो मैं ऐसा पहन लेती इसको। गौतम ही थप्पड़ मार दे वैसे मुझे। एक्स्ट्रा नंगा पहन है ये, लाइक देयर इज नो बैक, दिस इज लिटरली बैक लेस। ये नहीं कि छोटा मोटा भी कुछ दे देते हैं, पतली पतली डोरियां है बस। ब्लाउज नंबर 3, लेट्स ट्राई, दिस इज द मोस्ट ढका हुआ। आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी, बट इट्स वेरी लूज फॉर मी। बैक एकदम पूरी है, कोई भी नंगा पन नहीं है इसमें। आई थिंक पूजा के लिए आई विल बी कम्फर्टेबल, बट आई कैन ऑल्सो वेयर द फर्स्ट वन क्योंकि मुझे थोड़ी देर ही पहनना है और पूजा में चुन्नी लेनी है सर पे, तो सब पीछे ढक जाएगा ऐसे। ये ब्लाउज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं गाइस? अभी थोड़े दिन हैं और ये ब्लॉग लाइव चला ही जाएगा, उससे पहले तो आप मुझे अपने रिव्यूज भी बता सकते हैं। ये कहना है बी लिटिल बिट पू एंड पार्वती का मिक्स, और दिस इज कम्प्लीटली पार्वती एंड अदरवाइज दिस वन इज कम्प्लीटली पू। सो डू ड्रॉप योर गर्ल्स, स्पेशली लड़कों से मुझे नहीं चाहिए ओपिनियंस, लड़कियां आप ही बता देना ठीक है। अब मेरे को निकलना है ऑफिस क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। बाय द वे ये 4 जो आउटफिट पहने उसमें से ये एक ही आउटफिट फाइनल अभी तक हुआ है, फाइनल भी नहीं हुआ मतलब होने वाला है, बट दिस इज द मेन वन, सो इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। मैंने ब्लंडर की है मैं मान सकती हूँ, बट ठीक है। हाँ ट्रायल्स हो गए थे, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस थोड़ी मजदूरी टाइप करने। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, देयर इज मोर फॉर गणपति कमिंग अप डेफिनेटली, एंड देयर इज मोर फ्रॉम हीर एंड वेद कमिंग अप, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो, वो भी क्यूट स्टफ है थोड़ा। एक तो किचन में हम कुछ करने वाले हैं सरप्राइज, एक हम लोग कुछ याद नहीं आ रहा, चलो बाय, बहुत कुछ आ रहा है। बट एक चीज है जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है कि देर आर सम फेक प्रोफाइल्स दैट आर क्रिएटेड इन माई विद माई फेस विद माई पिक्चर्स विद माई वीडियोज, वो आजकल रोटेट हो रही है पूरे इंटरनेट पे। शी इज एक्चुअली रॉबिंग पीपल और कॉर्निंग पीपल लाइक दैट। मेहनत नहीं करनी, धोखे करने हैं, बदतमीज़।